हेलो फ्रेंड्स, दिव्या हेल्दी किचन में आज हम बनाएंगे ब्रेड पकोड़ा, जिसकी रेसिपी आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्या दिव्या हेल्दी किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए हमने ये बेसन लिया हुआ है। अब इसके अंदर ये करी लीव्स है जिसे मैंने बारीक चॉप किया है, इसको अंदर ऐड करते हैं। यह हरी मिर्च है जिसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है, इसे ऐड कर देते हैं। और ये धनिया है जिसे बारीक कट कर लिया है, इसको भी अंदर ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर आधा चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करते हैं। आधा चम्मच गरम मसाला सब्जी का से ऐड कर देते हैं। आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इसको भी अंदर ऐड कर दिया। अब स्वाद के अनुसार इसमें नमक को ऐड करते हैं। अब एंड में इसमें हम थोड़ा सा नींबू का जो रस है इसे ऐड कर देते हैं। ये बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते करते इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसका हमें अच्छा घोल बना लेना है, जैसे डोसा हम बनाते हैं उसी तरह इसका भी घोल तैयार करना है। बेसन का बेटर अच्छे से बन गया है, ये देखिए इस तरह से इसका घोल होना चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा थिक भी नहीं। अब इस घोल में हमें ये मैंने ब्रेड लिए हुए है फ्रेश, इसको इस तरह से अंदर हमें डिप करना है। दोनों साइड से इसे अच्छे से डिप करके लेना है। अब गैस पर मैंने मीडियम स्लो फ्लेम पर कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर हम एक एक करके ब्रेड को फ्राई कर लेते हैं। इसे हमें दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर लेना है। ये नाश्ता बहुत ही आसानी से और झटपट बन जाता है, और सुबह मॉर्निंग में चाय के साथ बच्चों को आप इसे सर्व करते हो तो बच्चे भी इसे बहुत मज़े से खाते हैं। देखिए, अब हमारा ब्रेड पकौड़ा अच्छे से फ्राई हो गया है। इसे अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रखे हुए हैं, इसके ऊपर हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए, दिखने में भी कितना बढ़िया दिख रहा है। इसी तरह मैं सारे ब्रेड पकौड़े फ्राई कर लेती हूँ। रेडी है हमारा ब्रेड पकौड़ा, बहुत ही आसानी से और झटपट से बनने वाला इजी नाश्ता। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।